तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐप्स इंस्टॉल करना होंगे। तो मैं बताता हूँ कौन से ऐप्स हैं वो आपको जो इंस्टॉल करना होंगे। उसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर के आपको लिखना होगा CPUZ। CPUZ आप लिखेंगे तो देखेंगे टॉप पर ये आ रहा है, ये CPUZ, इसको आपको इंस्टॉल करना है। ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पूरा प्रोसेसर के बारे में बताएगा कि आपका कौन सा प्रोसेसर है और आपका मोबाइल क्या किस बेस पर चल रहा है, कौन सा उस पर मैन्युफैक्चरिंग जो भी है उसकी, वो सब दिखाएगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये MediaTek प्रोसेसर है। तो याद रखिए आपको MediaTek प्रोसेसर ही चाहिए। अगर आपके पास MediaTek प्रोसेसर होगा मोबाइल में तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जियो की सिम को 3G मोबाइल पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये MediaTek प्रोसेसर है। डिवाइस में जाकर देखेंगे ये माइक्रोमैक्स A77 कैनवास जूस जो कि 3G मोबाइल है। तो आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, 3G है या 4G या 5G है, जो भी आप दिखाई गूगल आपको दिखाई देगा। यहाँ सिस्टम में देखेंगे आप 4.2.2। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से वापस चलते हैं और अब आपको ये करना होगा कि आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा और उसमें 4G का सिम लगाना होगा। और सिर्फ वही सिम लगाएंगे आप अपने जियो का 4G का, एक ही सिम और कोई सिम नहीं लगाएंगे। और फ़ोन रीस्टार्ट करके आते हैं दोबारा, तो करते हैं हम वही प्रोसेस। तो मैं आता हूँ वही करके। तो अभी आपको क्या करना है, जब आप जियो 4G का सिम लगा लें तो आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं जो वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो नेटवर्क लाने के लिए आपको कुछ और ऐप्स इंस्टॉल करना होंगी। तो हम चलते हैं वापस प्ले स्टोर पर। यहाँ पर जाकर के आप लिखना होगा आपको Zorware, XORWARE, और इसको सर्च कराएंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे ये दो जो ऐप्स आ रही हैं टॉप पर, इन दोनों ऐप्स को आपको इंस्टॉल करना है। बहुत से लोगों ने इसको यूज़ करा होगा, ट्राई करा होगा, और बहुत से लोग इसको चला भी रहे हैं। जो नहीं चला पाए हैं वो प्रॉपर इसके बारे में जानते नहीं होंगे या सही से उन्होंने फॉलो नहीं करा होगा, इस वजह से नहीं चला उनका। तो ये दोनों ऐप्स इसको इंस्टॉल करना है आपको, इंटरफेस ज़रूर करना है इसको। इंटरफेस नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। इंटरफेस जब आप कर लें इसको तो वापस चलना होगा हमको। दोनों ऐप्स जब इंस्टॉल हो जाएंगी तो यहाँ देखेंगे आप, खोलते हैं पहली वाली, दिखाते हैं आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, आपको दूसरी वाली पर जाना है। और यहाँ पर जाकर देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है 2G नेटवर्क मोड, यहाँ पर जाकर के आपको 4G LTE कर देना है। और यहाँ लिखा है 3G 4G नेटवर्क मोड, यहाँ पर भी आपको 4G LTE कर देना है। और नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई, अप्लाई कर देंगे हम इसको। तो अब जब हम अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके आएंगे तो हमारे नेटवर्क आ जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत नेटवर्क आ जाए, ये टाइम लगता है, कम से कम 5 मिनट तो उसमें लगता है ये नेटवर्क आने में। सर्च करता है ये नेटवर्क, वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल पर कि आपका बैंड कितनी, फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी, कितनी तेज पकड़ता है नेटवर्क को वो। तो अभी आपको करना ये होगा कि अब आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करिए और फिर आप जब आप आएंगे तो देखेंगे कि आपका नेटवर्क आ चुका है। तो हम रीस्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल को और देखते हैं, जैसे ही नेटवर्क आएगा तो हम दोबारा शो करते हैं वीडियो। तो जब आप वापस आएंगे